अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूलॉजी विद आमना। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं बर्ड्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स। ये हमारे पास बर्ड्स आते हैं क्लास एव्स में, और इनके करेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूडेड हैं अडाप्टेशन फॉर फ्लाइट, जैसे कि फोर अपेंडेजेस हमारे पास फीदर्ड विंग्स में मॉडिफाइड हो चुके हैं फ्लाइट के लिए। ये एंडोथर्मिक है, मतलब इंटरनल हीट सोर्सेज पे ही डिपेंड करते हैं। मेटाबॉलिक रेट इनका हाई है क्योंकि इन्होंने फ्लाई करना है। इसके बाद इनकी जो नेक है वो फ्लेक्सिबल है। पोस्टीरियर वर्टिब्राए जो है वो हमारे पास फ्यूज्ड है, और बोन्स लाइटर हैं, वेट में कम है। न्यूमरस एयर स्पेसिस से इनको लाइट किया गया है ताकि इनको जब ये फ्लाई करें तो इनका जो वेट है वो कम हो। स्कल भी लाइटेंड है क्योंकि स्कल में जो बोन्स हैं वो कम हैं। और इसके अलावा जो बिल है इनकी, हॉर्नी बिल है, उसके अंदर टीथ भी प्रेजेंट नहीं है। अब हमारे पास इसके ऑर्डर्स हैं कुछ। सबसे फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर स्फेनिसिफॉर्मीज। अब स्फेनिसिफॉर्मीज में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनकी जो बॉडीज़ हैं वो हैवी हैं? ये फ्लाइटलेस है ऑफकोर्स, अगर हैवी बॉडीड है तो फिर ये फ्लाइटलेस ही होंगे। और इनके जो विंग्स हैं वो फ्लिपर लाइक हैं, जो कि स्विमिंग के लिए मॉडिफाइड हैं, और वेल इंसुलेटेड विद फैट। और इसमें हमारे पास आ जाते हैं पेंगुइन्स। नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास है स्ट्रुथियोनिफॉर्मीज। तो स्ट्रुथियोनिफॉर्मीज में हमारे पास आएंगे लार्ज बर्ड्स, फ्लाइटलेस, और इनके जो विंग्स हैं वो फ्लफी प्ल्यूम्स हमें नज़र आएगा इनके विंग्स के अंदर। और इसमें आ जाते हैं हमारे पास ऑस्ट्रिचेस। नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास है रीफॉर्मीज। तो रीफॉर्मीज में भी लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड्स ही आएंगे, जिनको जो विंग्स हैं ऑफकोर्स वो डीजनरेट हैं, और इनका जो प्ल्यूम है वो सॉफ्ट है और लूज है। और इसमें आएंगे हमारे पास रियाज। नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास है कैसोरीफॉर्मीज। तो कैसोरीफॉर्मीज में भी बर्ड्स आएंगे जिनके विंग जो है वो रिड्यूस्ड हैं, और इनका जो प्लमेज है वो कोर्स है और हेयर लाइक है। और इसमें भी फ्लाइटलेस बर्ड्स ही आ रहे हैं, कैसोवरीज और एमस। नेक्स्ट ऑर्डर है गैवीफॉर्मीज। तो गैवीफॉर्मीज में जो बर्ड्स आएंगे उनके पास स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट बिल प्रेजेंट है। और इसके अलावा डाइविंग अडाप्टेशन में इनकी जो लेग्स हैं वो फार बैक ऑन दी बॉडी प्रेजेंट है। इसके अलावा जो टार्सिस हैं वो ब्लेड लाइक हैं, फीट वेब्ड हैं, और बोन्स इनकी हैवी हैं। और इसमें हमारे पास बर्ड्स आएंगे लोन्स। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर है पॉडिसिपेटिफॉर्मीज। पॉडिसिपेटिफॉर्मीज में जो बर्ड्स आएंगे उनके पास विंग्स जो हैं वो शॉर्ट हैं, और इनका जो प्लमेज है वो हमारे पास सॉफ्ट और डेंस है। असल में हम फीदर्स की कवरिंग को ही प्लमेज बोलते हैं बर्ड्स का। और इनके जो फीट है वो वेब्ड है, और नेल इनके फ्लैट है। इसमें आ जाएंगे हमारे पास क्रीप्स। नेक्स्ट ऑर्डर है हमारे पास प्रोसेलेरिफॉर्मीज। तो प्रोसेलेरिफॉर्मीज में हमारे पास जो बर्ड्स आएंगे उनका जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो ट्यूबुलर है, लार्ज नेजल ग्लैंड्स हैं प्रेजेंट, और लॉन्ग और नैरो विंग्स हैं। इनमें आएंगे हमारे पास एल्बेट्रोसिस, शियर वाटर्स और पेट्रल्स। इसके बाद ऑर्डर है हमारे पास पल्कैनिफॉर्मीज। तो पल्कैनिफॉर्मीज में हमारे पास आ रहे हैं ऐसे बर्ड्स जिनके फोर टोज हैं वो ज्वाइन होकर कॉमन वेब बनाएंगे, जैसा कि हम देखते हैं डक्स के केस में। इसके बाद इनके जो नॉस्ट्रल्स हैं वो रूडिमेंट्री हैं या फिर एब्सेंट हो सकते हैं, मतलब एक्सटर्नली हमें नॉस्ट्रल्स तो नजर नहीं, लेकिन ऑफकोर्स ये ब्रीथ करते हैं। इसके बाद इनके पास लार्ज रेगुलर सैक्स हमें नजर आएंगे। इनमें आ जाएंगे हमारे पास पेलिकन्स, बॉबीज, कॉर्मोरेंट्स, एनहिंगास और फ्राइगेट बर्ड्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर है साइकोनिफॉर्मीज। तो साइकोनिफॉर्मीज में जो बर्ड्स होंगे उनके पास है लॉन्ग नेक, और जो कि ज़्यादातर फ्लाइट में जो है वो फोल्ड हो जाती है। इसके बाद लॉन्ग लेग वेडर्स, इसमें आएंगे हिरन्स आएंगे, एग्रेट्स आएंगे, स्ट्रॉक्स, वुड आइबेसिस और फ्लेमिंगोस। ये सारे बर्ड्स जो हैं वो ऑर्डर साइकोनिफॉर्मीज के अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर है एंसेरिफॉर्मीज। एंसेरिफॉर्मीज में आएंगे साउथ अमेरिकन स्क्रीमर्स, डक्स, गीस, स्वैंस, और ये वाले जो ग्रुप हैं तीनों, ये पोसेस करते हैं हमारे पास फ्लैट बिल और अंडरकोट ऑफ डेंस डाउन, मतलब इनके में जो फीदर्स के टाइप है वो हमारे पास डाउन फीदर है, और इनके जो फीट है वो वेब्ड हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर है फाल्कोनिफॉर्मीज। तो फाल्कोनिफॉर्मीज में हमारे पास जो बर्ड्स आ रहे हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक प्रेजेंट है, लार्ज विंग्स है, रेप्टोरियल टीथ फीट प्रेजेंट है। इनमें आ रही हैं हमारे पास वल्चर्स, इसके बाद सेक्रेटरी बर्ड्स,
हॉक्स, ईगल्स, ऑस्प्रेस और फाल्कन्स। नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास है गैलीफॉर्मीज। तो गैलीफॉर्मीज में जो बर्ड्स आ रहे हैं उनके पास है शॉर्ट बीक, शॉर्ट कनकेव विंग्स, स्ट्रॉन्ग फीट एंड क्लास, और इसमें हमारे पास आ रहे हैं क्यूरेसोस, ग्राउस, क्वेल, फेजेंट्स और टर्कीज। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर है हमारे पास ग्रुईफॉर्मीज। तो ग्रुईफॉर्मीज में जो बर्ड्स आ रहे हैं इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो वेरिएबल हैं और वो डायग्नोस्टिक नहीं है, मतलब हमें काफ़ी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स नज़र आएंगे इस ग्रुप के अंदर या इस ऑर्डर के अंदर। और इसमें इंक्लूडेड है मार्श बर्ड्स, जिसके अंदर आ जाती हैं क्रेन्स, लिमकिन्स, रेल्स और कूट्स। नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास है क्रेडिफॉर्मीज। तो क्रेडिफॉर्मीज के अंदर भी जो बर्ड्स आ रहे हैं उनमें करेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल हमें नज़र आती हैं, और इनमें आ रहे हैं हमारे पास शोर बर्ड्स, गर्ल्स, टर्न्स और ऑक्स। नेक्स्ट ऑर्डर है कोलम्बीफॉर्मीज। तो कोलम्बीफॉर्मीज में जो बर्ड्स आ रहे हैं उनके पास डेंस फीदर है जो कि स्किन के अंदर लूजली सेट है, और इनका जो क्रॉप है मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है वो वेल डिवेलप्ड है, और इसमें आ रही हैं हमारे पास पिजन्स, डाव्स और सैंड ग्राउस। नेक्स्ट ऑर्डर है सिटैसीफॉर्मीज। तो सिटैसीफॉर्मीज में इनकी जो मैगजीला है वो स्कल के साथ हिंज्ड है, थिक टंग नज़र आएगी, रिवर्सिबल फोर्थ टू नज़र आएगा हमारे पास, और ये ज़्यादातर ब्राइटली कलर्ड होते हैं। इनमें आ जाते हैं हमारे पास पैरट्स, लॉरीज और मैकास। नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास है क्यूकोलीफॉर्मीज। तो क्यूकोलीफॉर्मीज में इनमें भी हमें रिवर्सिबल फोर्थ रो नज़र आएगा, सॉफ्ट और टेंडर इनकी स्किन है, और इसमें आ जाते हैं हमारे पास प्लैंटेन ईटर्स, रॉड रनर्स और क्यूकोस। नेक्स्ट ऑर्डर है स्ट्रिजीफॉर्मीज। तो स्ट्रिजीफॉर्मीज में जो बर्ड्स नज़र आएंगे इनके पास लार्ज हेड है, फिक्स्ड आई हैं जो कि फॉरवर्ड डायरेक्टेड हैं, और रेप्टोरियल टीथ हमें नज़र आएंगे, और इसमें आ जाते हैं ओल्स। नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास है कैप्री मुलगी फॉर्मीज। तो कैप्री मुलगी फॉर्मीज में हमें ओल लाइक हेड वाले बर्ड्स नज़र आएंगे, और प्लमेज होगा जिनके पास, लेकिन इनकी जो बिल है वो वीक है और फीट भी इनके जो हैं वो वीक है। बीक जो है वो वाइट गैप के साथ दोनों हमें नज़र आएंगी। इनमें आ जाते हैं हमारे पास इंसेक्टिवोरस, विपोरविल्स और गॉड सकर्स। नेक्स्ट ऑर्डर है ए पॉडीफॉर्मीज। तो ए पॉडीफॉर्मीज में जो बर्ड्स हैं उनके पास लॉन्ग विंग्स हैं, फीट इनके वीक हैं, ये इनमें आ जाती है हमारे पास विफ्स और हमिंग बर्ड्स। नेक्स्ट ऑर्डर है कोरेसीफॉर्मीज। तो कोरेसीफॉर्मीज के अंदर जो बर्ड्स हैं उनके पास लार्ज हेड है, लार्ज बीक है, मेटालिक प्लमेज हमें नज़र आएगा, और इसमें आ जाते हैं किंगफिशर्स, टोडीज, बी ईटर्स और रोलर्स। नेक्स्ट ऑर्डर है पिसीफॉर्मीज। तो पिसीफॉर्मीज में जो बर्ड्स हैं इनके पास स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग जो बिल प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग लेग्स प्रेजेंट है, और जो फोर्थ टो है फीट का वो परमानेंटली रिवर्स्ड है जैसे कि वुड पैकर्स में, और इसमें आ जाते हैं हमारे पास वुड पैकर्स, टोकन्स, हनी गाइड्स और बारबेट्स। लास्ट ऑर्डर हमारे पास है पैसेरीफॉर्मीज। तो पैसेरीफॉर्मीज में बर्ड्स, ये सबसे बड़ा एवियन ऑर्डर है बर्ड्स का, और इसमें हमें 69 फैमिलीज ऑफ पर्चिंग बर्ड्स नज़र आती हैं। पर्चिंग फूड, पर्चिंग मतलब के जो ब्रांच के साथ जो है वो सही से एडहेयर हो के अपने आप को, अपने बैलेंस को मेंटेन रख सके, मतलब ये ब्रांच है तो ब्रांच के साथ ऐसे फोल्ड हो के जो बर्ड को बैठने में हेल्प कर सके। तो इन बर्ड्स के पास पर्चिंग फूड है, वेरिएबल एक्सटर्नल फीचर्स हैं, मतलब एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल हैं, सारे बर्ड्स में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हमें नज़र आएंगे। इनमें आ जाते हैं हमारे पास वेलोस, लार्क्स, क्रोज, टिट माइस और भी काफ़ी ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।